Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. This is Badar Munir social activity. Viewers, aaj jo hai aapke liye main bahut hi special kisam ki recipe leke aaya hu. Is recipe ke liye viewers aapko chahiye hoga ek donut cake, coconut powder aur uske ilawa sugar, uske ilawa blue band ke ilawa malai chahiye hogi, milk pack walo ke liye le ya koi bhi chalegi, aur uske ilawa aap chalega green कलर का कलर. तो ये रही आग और ये मैंने जला दी चूल्हे के नीचे, और उसके बाद आप फ्राई पैन ले लें और एक चम्मच ले लें, ठीक है, जिससे आपने चीज़ें मिक्स करनी है, ठीक है. तो जब आप आग जो है वो आपने आहिस्ता ही रखनी है ताकि ये ना हो कि आपकी जो हर चीज़ जली हुई हो और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाए, ठीक है. तो सबसे पहले चूल्हे में डालते हैं मक्खन. मक्खन जब आपका अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, इसे मेल्ट करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ. पहले ज़रा ज़्यादा सारा मक्खन डाल लें, ठीक है. मक्खन मेल्ट जो है वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, यही जादू होगा कि वो ऑटोमेटिक जो है वो मेल्ट हो रहा है मक्खन, ठीक है. आप इसे हिला के भी देख सकते हैं कि वो मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो मेल्ट हो गया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह पूरे फ्राई पैन में जो है इसको फैला दें, ठीक है. जब आपको अगर मक्खन थोड़ा सा कम लग रहा है फ्राई पैन में, ये अच्छी तरह पूरा नहीं फैल रहा, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा मक्खन और ऐड कर लें. उसके बाद आप कोकोनट पाउडर जो है वो ऐड करें, जो आपने ये मक्खन आप पिघलाया होगा, ठीक है. कोकोनट पाउडर आपने ये जो है इतना ही ऐड करना है जितना मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी एक पैकेट ले लें एक पाव वाला, उसमें से आधा पाव जो है वो इसमें फ्राई पैन में निकाल लें, ठीक है. अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है, अगर आप वेट नहीं कर सकते, सो कोई इतना मसला नहीं है, जितना मैंने डाला है बस उतना ही डाल दीजिएगा, ठीक है. और उसके बाद आप ले लें मलाई. मलाई जो है वो अगर आपके दूध में पड़ी हुई है घर में वो चलेगी, अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एक बाज़ार से एक डब्बा मलाई का ले लें. उसके बाद चीनी ले लें. मलाई को एक बाउल में निकाल के उसके अंदर शुगर ऐड कर दें. शुगर ऐड करने के बाद शुगर उतने ही ऐड कीजिएगा जितना आप मीठा पसंद करते हैं, ठीक है. क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे शुगर डालता ही जा रहा हूँ और इतनी शुगर हो गई है कि बस क्या बताऊँ आपको. तो उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर डाल दें. ये कलर से ये होगा कि आपने जिस कलर के लड्डू शड्डू बनाने होंगे वो उसी कलर के आएंगे, ठीक है. ये जिस जो कलर आप डालेंगे, ये कलर ऑरेंज है, और ये ऑरेंज कलर का ये कौन सा कलर आ रहा है इसमें गाइज, ये हिलाने के बाद इसका जो कलर है, सॉरी ये धोखा हो गया. मैं समझा था कि ये ऑरेंज कलर है, तो ये ग्रीन कलर का जो है ये शेड दे रहा है. तो गाइज कोई मसला नहीं, इसको हिलाते जाएं यहाँ तक कि हिला के इसका कचूम्बर मार दें, और इस तरह का ये फुल पतला हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा, ठीक है. तो पतला होने के बाद जो आपने ये बनाई होगी गिरी जो आपकी वो घी के साथ मेल्ट होकर, तो ये गिरी बहुत ही मज़े की बनी होगी कोकोनट पाउडर, उसके अंदर ये मिक्स कर दें, ठीक है. मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ा सा हिलाएं, बल्कि थोड़ा सा ना हिलाएं, आप इतना हिलाएं कि इसका जितना आप हिला सकते हैं, यानी आप कचुंबर मार दें इसका, ठीक है. कचुंबर को तो आप समझते होंगे, अच्छी तरह मिक्स कर दें. मैं आपको दिखाता हूँ, हेयर वी गो, ऐसे, ठीक है. एक भी दाना इसमें वाइट कलर का नहीं होना चाहिए, जो आपने कलर ऑरेंज कलर का डाला था, ठीक है, उस तरह का हो जाए, यानी ये ग्रीन कलर का हो जाए. तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें. जैसे ही फिर ये ठंडा होगा, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा सा लेकर ना, तो ये बहुत ही मज़े का बन गया हुआ, ठीक है. गाइज आप अपने घर के पास जो स्वीट शॉप है ना, आप उसको भूल जाएंगे ये लड्डू खाने के बाद, ठीक है. सो इतने मज़े के ये मैंने लड्डू बनाए हैं, तो आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है. सो आप जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इसके ऐसे गोल गोल से लड्डू बना लें, और मैं भी आपको खा कर भी दिखाऊँगा. थोड़ी सी मैं आपको डेकोरेशन करके दिखाता हूँ कि ये हियर वी गो, ये चेक है, ठीक है. ये कितना प्यारा है. ऊपर इनके ये गार्निश क्या होता है, गार्निश
थोड़ी सी गार्निश कर दें, यानी जो आपकी गिरी होगी उसको ऐसे चुटकी में लेके तो इसके ऊपर गार्निश आप कर सकते हैं। उससे ये होगा कि इसकी खूबसूरती ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप मेहमानों के यहाँ पेश करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। उसके बाद जो अगर आपकी मलाई वाला जो आपने पेस्ट बनाया होगा वो आपका अगर बच गया है तो उसका भी आप थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें और इसको गंदा कर दें। सॉरी, मलाई के बगैर तो अच्छा लग रहा था, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर चवली मार दी हुई है। चले कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा ही लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ज़रा टेस्ट करके देखता हूँ कि ये खाने में कैसे है। ठीक है, आप एक लड्डू ले लें, जो ऊपर वाला होगा ना स्पेशल वो ही आप भी खा सकते हैं। और हियर वी गो, वाओ डिलीशियस गाइस, बहुत मज़े का लड्डू है और इंतहाई आला किस्म का बना है। ठीक है, सो इसे कहते हैं खोपरा लड्डू। ठीक है, आप बाज़ार से लेकर खाते हैं खोपरा लड्डू, लेकिन आप घर में ही, मैंने आपको बनाने का तरीका सिखा दिया हुआ है, अब आप घर में बनाएं। और गाइस इट इज़ सो डिलीशियस गाइस, ये छोटा सा लड्डू है लेकिन इंतहाई मज़े किस्म का है। आप भी घर में ट्राई करें बनाने की, और जब आप घर में ट्राई करेंगे बना के तो आप हमें भी याद रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।